गुड मॉर्निंग गाइस। एक जो हमारी लास्ट क्लास लगी थी उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चंस कर लिए थे उसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन प्लस कुछ जो न्यू कोर्स के मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं तो वो सिमिलर ही, बट फिर भी एक बार के लिए ट्राई करने हैं, वो हम साथ में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो चीज़ इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी जो बचे हुए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है ना। तो तीन चीजें हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस करनी है। क्लास मोर और लेस छोटी होने वाली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्लासेस, बट आप लोगों ने पहले पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करके फिर आगे चलना है। इस चैप्टर में हम करते क्या हैं, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों के पास कोई क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब कि जिस एसेट को बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, उस क्वालिफाइंग एसेट को अगर आप एक्वायर करने के लिए कोई लोन्स लेके रखते हो, चाहे वो स्पेसिफिक उसी एसेट के लिए चाहे वो जनरल लोन्स हैं, तो उन लोन्स के इंटरेस्ट को इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कैपिटलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब जब आपने वो कैपिटलाइजेशन करनी है तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, एक अमाउंट, एक उसका रेट, एक उसका पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो वो हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। बस बेसिक जो आज एक बड़ा क्वेश्चन है उसको करने के लिए जो एक चीज जरूरी है वो क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, और उसको करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए जो बिल्कुल बेसिक क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए पहले इंटरेस्ट कॉस्ट का इनकर होना एक प्री कंडीशन है। मतलब अगर आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हो ही नहीं रही तो कैपिटलाइज किस चीज को करोगे। ठीक है, और वही इस क्वेश्चन में एक बेसिक पॉइंट है, कई बार बच्चे उस पॉइंट को मिस कर जाते हैं और इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तब बिना टाइम वेस्ट करे मेरे साथ साथ आप लोगों ने जो है वो चलना है और हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी असाइनमेंट में वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 या 11, आई थिंक 11। ठीक है, और एग्जाम का क्वेश्चन है, पीएम में भी है, स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन है। तो मेरे साथ साथ अब आप लोगों ने चलना है और हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं अब डिस्कस। ठीक है, तो मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर है 11, साथ साथ चलेंगे, नई बात क्या है वो डिस्कस ध्यान से करनी है ना। कहता है एक्स वाई जेड हैज टेकन अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ कैपेसिटी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, मंथ अप्रैल 2010, प्लान ये था हमारा और एक्चुअल ये थे हमारे, मई में ये हुआ, जून में ये हुआ, जुलाई में ये हुआ, अगस्त में ये हुआ, सितंबर में ये हुआ, एक हमारा था प्लान और एक थे हमारे पास एक्चुअली में जो खर्चे हुए। प्लान जब भी कोई बड़े एसेट्स को बनाना होता है हम लोगों ने तो उसके लिए एक बजट या उसके लिए एक प्लान्स पहले बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, बाद में आप लोगों को पता है कि एक्चुअल्स जनरली वेरी कर सकते हैं ना। तो अब एक सवाल आता है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इन 2 महीनों में हमने प्लान तो किया था ये खर्चा करेंगे, पर अगर आप खर्चे वाले एक्चुअल कॉलम में देखो तो कोई खर्चा नहीं हो पाया। ठीक है, अब उसके रीजंस कई हो सकते हैं, कोई नॉर्मली रीजंस भी हो सकते हैं, कई एबनॉर्मल रीजंस भी हो सकते हैं। नॉर्मल रीजंस का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल रीजंस का मतलब होता है कि जैसे बरसात का टाइम आ गया। ठीक है, अब जैसे आजकल बारिशें हो रही है ना, तो अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, मान लो कोई बिल्डिंग की चल रही है, तो आपको हो सकता है थोड़े दिनों के लिए रोकनी पड़े वो। ठीक है, वो होता है नॉर्मल रीजन। एबनॉर्मल होते हैं रीजन जैसे कि स्ट्राइक कर दी किसी इंप्लॉयज ने, लॉकआउट हो गया। ठीक है, तो उस केस में आपको जो है कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ जाती है। तो इन सब सिचुएशंस में हमें क्वेश्चन अराइज होता है जो मैं आपको थ्योरेटिकली इसका नोट भी कराऊंगा कि क्या कभी आपकी कैपिटलाइजेशन भी रुक जाती है अगर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्टिव डेवलपमेंट अगर रुक जाए, स्टार्ट हो चुकी थी पर बीच में ड्यू टू सम नॉर्मल एबनॉर्मल रीजन वो रुक गई, तो क्या आपका जब पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन करते टाइम या कैपिटलाइजेशन करते टाइम क्या वो रुकेगी या नहीं रुकेगी, दैट इज द क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद आपको लिखवाऊंगा भी, बट पहले ध्यान से सुन लो, कभी भी जब बजटेड पीरियड के दौरान आपके पास कैपिटलाइजेशन या जिसको मैं बोलूं कि जब आपका बजटेड पीरियड के दौरान अगर आपकी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट रुक जाती है, आपकी कैपिटलाइजेशन कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, बजटेड पीरियड के दौरान कैपिटलाइजेशन कभी भी नहीं रुकती है। सर कब रुकती है वो भी आपको इसके बाद मैं चार्ट सा बना के दिखाऊंगा। जब आपका प्रोजेक्ट, कई बार होता है ना जैसे सरकारी काम होते हैं, प्रोजेक्ट बना 2 साल के लिए पर बनते बनते लग गए 20 साल, तो बजटेड टाइम तो था 2 साल, 18 साल और एक्सटेंडेड पीरियड में चला गया वो। तो एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान अगर कभी वो आपकी डेवलपमेंट किसी एबनॉर्मल कारण की वजह से रुकती है, नॉर्मली बारिशों की वजह से, संडे की वजह से, ऐसे ऐसे रुकते हैं, तो फिर भी नहीं कैपिटलाइजेशन रुकती,
पर अगर एक्सटेंडेड पीरियड में आप जा चुके हो और आपकी कैपिटलाइजेशन रुकती है या आपकी डेवलपमेंट रुकती है किसी एबनॉर्मल कारण की वजह से, याद रखना इसे, सिर्फ उस एक केस में आपकी जो है वो कैपिटलाइजेशन को हम लोग रोक देते हैं। सेकेंड एक केस होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन रुकने का, वो सिर्फ एक है, और वो क्या है कि आप लोगों का इंटरेस्ट इनकर ही ना हो, तो कभी कैपिटलाइजेशन हो ही नहीं सकते। ये तो मैं कई बार आप लोगों को बता ही चुका हूं, क्योंकि इंटरेस्ट इनकर होगा तभी तो कैपिटलाइजेशन का सवाल पैदा होगा। अब मेरे पास आया कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मेरे पास ये बजटेड पीरियड था और इस दौरान यहां पे खर्चा नहीं भी हुआ, पर क्या शुरू हो चुकी थी डेवलपमेंट, के इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हो रही थी, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट छोटा सा इसमें और है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये वीडियो अलग से बनाने का पर्पस यही है कि आपके पास सेफ रहेगी, पड़ी रहेगी, कभी अगर एग्जाम के आसपास में भूल जाए इस क्वेश्चन को तो आपको इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, है ना। तो एक बार के लिए जल्दी से चलना है। द कंपनी पेज टू इट्स बैंकर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग डेबिटेड ऑन अ मंथली बेसिस। अब यहां पे आपको एक चीज क्या बोली उसने कि ये इंटरेस्ट कैसे डेबिट करते हैं हम लोग, मंथ वाइज। तो आज तक जो क्वेश्चन हो उसमें कभी भी ऐसा कोई लाइन नहीं थी, तो अब हमें बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैसे करनी पड़ेगी, एनुअली नहीं करेंगे, मंथ बाय मंथ जो जो खर्चा हो जाएगा उस उसको कैपिटलाइज करते जाएंगे। कैसे सर, वो मैं आपको फॉर्मेट बनवाता हूं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड ₹10 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31st of July। कहता जुलाई तक तो हमारे पास ओडी चल रहा था, ओडी चल रहा था का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हो रही थी, पर सरप्लस कैश हमारे पास आ गया अगस्त में। अगस्त में सरप्लस कैश है, सरप्लस कैश है तो इसका मतलब जो इंटेंट है वो क्या है कि हमारा ओडी लिमिट यूज नहीं हो रही होगी। अगर ओडी लिमिट यूज ही नहीं हो रही तो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हो रही है? नहीं सर, इंटरेस्ट कॉस्ट तो इनकर हो ही नहीं रही फिर। तो क्या अगस्त के महीने में कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है अगर मंथ वाइज कर रहे होंगे? नहीं हो सकती, क्योंकि उस महीने हमारी डेवलपमेंट तो चल रही है पर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं गया, और इंटरेस्ट गया ही नहीं तो कैपिटलाइज किसको करोगे? ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसका कहता है अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ ओवर ₹10 लाख फ्रॉम 1 सितंबर, सितंबर के बाद से फिर से ₹10 लाख रुपए से ऊपर चला गया ओडी, तो फिर से इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होनी शुरू होगी, तो कैपिटलाइज फिर होती रहेगी। द कंपनी हैड अ स्ट्राइक ड्यूरिंग जून एंड हेंस कुड नॉट कंटिन्यू द वर्क ड्यूरिंग जून, वर्क वॉज अगेन कमेंस्ड ऑन 1st July एंड ऑल वर्क वॉज कंप्लीट ऑन 30th of September, एज्यूम द एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड ऑन द 1st डे ऑफ ईच मंथ। तो हमारे पास बीच में वो स्ट्राइक हुई थी, एबनॉर्मल कारण था, पर ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड चाहे एबनॉर्मल कारण हो चाहे नॉर्मल कारण हो कभी कैपिटलाइजेशन नहीं रुकेगी। एक्सटेंडेड पीरियड में अगर रीजन आप लोगों का कौन सा हुआ, अगर रीजन कौन सा हुआ, एबनॉर्मल रीजन हुआ, तो सिर्फ आपकी कैपिटलाइजेशन रुकती है, पर वो टाइम पीरियड कौन सा होना चाहिए, आंसर इज एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास आया इस क्वेश्चन को, कहता है इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, गिव रीजंस, उसके बाद आपको वो इसने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया कि 3 महीने से ज्यादा भी हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लेंगे तो वो 3 महीने से ज्यादा ही है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं। अब मेरे साथ साथ आप लोगों ने जो फॉर्मेट है वो ध्यान से बनाना है। रीजन उसका ये है कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मंथ वाइज कैलकुलेशन वाला मेरे पास और कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है मंथ, उसके बाद टोटल ओपनिंग वैल्यू, यहां पे आएगा ओपनिंग वैल्यू, बाद में अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉलम आप हटा भी सकते हो, चाहे ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट, इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर 1 मंथ, इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर 1 मंथ, क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू में हमारे पास ओपनिंग का वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और नहीं एक बीच में से रह गया सॉरी, एक अमाउंट आपको और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो
इस महीने में भी हम लोगों ने खर्चा किया होगा, क्योंकि वो बोल रहा है ओपनिंग में खर्चा हो रहा है ना, तो यहां लिखना एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मंथ, फिर आएगा टोटल अमाउंट, फिर उसके ऊपर आएगा इंटरेस्ट कॉस्ट दिस मंथ, एंड देन आएगी क्लोजिंग वैल्यू। ये ध्यान से आप लोगों ने जो है वो बनाना है, और ध्यान से समझना भी है इन सब चीजों को, है ना। अब एक एक करके हम लोगों ने ये आइटम्स लिखनी है, आप लोग जल्दी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहला महीना कौन सा था आप लोगों का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो इस महीने में जल्दी से लिख लो, उसके बाद आगे चलेंगे। अप्रैल के महीने में ओपनिंग वैल्यू तो आ गई जीरो, ठीक है। अभी ये गलती से इसमें फॉर्मूला लगा हुआ, ये जल्दी से लिख लो। उसके बाद एक्सपेंडिचर आपने मुझे बताना है कि कितना होगा, इस महीने का एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा, 2 लाख रुपए। कुछ डिटेल नहीं है कि इससे पहले ओवरड्राफ्ट का कब से शुरू हुआ, तो इसका मतलब आज के दिन पे था ओवरड्राफ्ट, है ना। और हमने कौन से खर्चे लेने हैं सर, बजटेड वाले के हिसाब से कैलकुलेशन करते रहेंगे ना, एक्चुअल के हिसाब से जो हमारा खर्चा हुआ। तो कितना खर्चा किया हम लोगों ने, 2 लाख रुपए। टोटल भी कितना हो गया, जो ओपनिंग वैल्यू थी प्लस जो ये अमाउंट है 2 लाख रुपए। अब इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कितने टाइम का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। वो कहता है कि इंटरेस्ट इज पेबल मंथली, तो अगर एक महीने का इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करूं तो एक बार करके देखो बोला क्या आता है, कितना आएगा एक महीने का इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% फॉर अ ईयर, तो क्या एक महीने का इंटरेस्ट 1% हो गया, आंसर इज यस। तो कितना आ गया इंटरेस्ट कॉस्ट, 2000 रुपए। क्लोजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टोटल अमाउंट था प्लस जो आप लोगों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया। तो ये पॉइंट बस इस क्वेश्चन में समझने वाला है, जल्दी से एक बार अपने पास ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से लिख लो इस अमाउंट को कि आप लोगों के पास कितना अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा, 2,02,000 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का ये, और एक पॉइंट और आएगा जो अगस्त के महीने में है, जब इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर नहीं होगी तो कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, है ना। अब अगले टाइम पीरियड के लिए जो क्लोजिंग बैलेंस है आप लोगों का, वही आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगा, करेक्ट। अब इस महीने में भी कुछ खर्चा हुआ है हमारा, बिल्कुल हुआ है सर, 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है हमारा, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ओपनिंग प्लस जो इस महीने का खर्चा हुआ, 5,02,000। अब इंटरेस्ट जो है वो इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा, सर मंथ वाइज कहीं डबल तो नहीं हो जाएगा इफेक्ट ना, जो पिछला वाला 2 लाख रुपए हुआ था उसके ऊपर भी अगले महीने में, तो वो तो इन्वेस्टेड रहा ही रहा है ना, तो पिछले इसके ऊपर 2 महीने का ही लगना था, तो दो में इसमें 5,02,000 में जुड़ के ऑटोमेटिकली 1 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा, वो इसमें लग जाएगा, है ना। बाय चांस किसी पॉइंट में आपको फिर भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना है, आप लोगों ने अलग से कॉल करके, है ना। पर वैसे सिंपल सी बात है कि हम मंथ वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस बार अब एक एक महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे तो ये आपका इंटरेस्ट आएगा, अगर आप क्लोजिंग वैल्यू चेक करोगे तो वो आ जाएगी 5,07,020 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास आया ओपनिंग वैल्यू अगले महीने के लिए, आगे 5,07,020 रुपए। जल्दी से अगर आप लोगों को बीच में जरूरत लगे तो पॉज कर लेनी चाहिए वीडियो और एक बार खुद कैलकुलेट करके देख लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन आप लोगों के पास अब अवेलेबल है। एक्सपेंस ऑफ द मंथ इस महीने में देख के बताओ जरा कितना एक्सपेंस हुआ, कुछ नहीं एक्सपेंस हुआ सर, स्ट्राइक हो गई थी हमारा काम चल ही नहीं पाया, ठीक है, तो कितना एक्सपेंस हुआ, जीरो। अगर एक्सपेंस जीरो हुआ तो उस सिचुएशन में आप लोगों के पास
जो टोटल वैल्यू इस महीने में भी जो बिजनेस में रहा वो इतना रहा। अब सवाल पैदा होता है क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रोक दें? ना, ड्यूरिंग द, तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड किसी भी वजह से, चाहे कैपिटलाइजेशन, चाहे वो डेवलपमेंट रुकती है, कैपिटलाइजेशन नहीं रुकेगी कभी भी, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में आप लोगों ने रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास आया जो इसका इंटरेस्ट था, अब एक महीने का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होगा ही होगा, ठीक है, और वो जुड़ के 5,12,090 रुपए की क्लोजिंग वैल्यू आ गई। अगले महीने के लिए यही ओपनिंग, अगले महीने फिर जीरो का खर्चा थोड़ा सा जल्दी से, और इस महीने में टोटल अमाउंट कितना हो गया फिर से 5,12,000। क्या कैपिटलाइजेशन रुकेगी? सर नहीं रुकेगी, ठीक है। तो ये आ गया कैपिटलाइज वैल्यू, और ये आ गया आप लोगों के पास क्लोजिंग वैल्यू 5,17,211 रुपए। यहां तक पहुंच के आपने एक बार के लिए रुक जाना है, क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉलम है इसमें सबसे ज्यादा, वो यही वाला है जिसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से डील करने की जरूरत है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन खत्म है आपका। अब आया अगस्त का महीना, ठीक है। जब अगस्त के महीने की बात करते हैं तो मेरे पास ओपनिंग वैल्यू फिर आ गई 5,17,211, ठीक है। इस महीने में खर्चा कितना हुआ है देख के मुझे बताओ, क्या खर्चा अब तो होना शुरू हो गया है? सर ये हुआ है खर्चा 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं 1,00,000 रुपए का खर्चा हुआ है सर हमारा? बिल्कुल लिखेंगे सर 1,00,000 रुपए। तो अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6,17,211। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट सवाल पैदा होता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी इनकर हुई? वो हमें, मैं एक बार दोबारा आपको लाइन पढ़ के बता रहा हूं, वो क्या बोल रहा था कि 31 जुलाई तक तो था ओडी लिमिट, उसके बाद सरप्लस कैश था। और ओवरड्राफ्ट का अगर आप मतलब समझते हैं होपफुली, तो क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा सरप्लस में पड़ा हो तो ओडी लिमिट नहीं फिर आप यूज करते। ओडी लिमिट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास पैसा नहीं है तो वहां से हम लोग निकाल लेते हैं, पर अगर सरप्लस कैश था फिर ओडी लिमिट कभी यूज ही नहीं हुई। यूज नहीं हुई तो उस केस में इंटरेस्ट कितना इनकर हुआ यहां पे? आंसर इज जीरो। अगर इंटरेस्ट जीरो इनकर हुआ तो कितना कैपिटलाइज होगा? सर जीरो ही कैपिटलाइज होगा। तो आप लोगों के पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई फिर? 6,17,211 रुपए। ये क्वेश्चन एक बार इन दोनों पॉइंट्स के लिए आपने करने का जरूर ट्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आया अगले साल के लिए, तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगले साल क्या हुआ? फिर से ओवरड्राफ्ट लिमिट है ही, 10,00,000 रुपए से ऊपर ही है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा कितना हो गया एक्चुअल में? 7,00,000 रुपए। अब जल्दी से खत्म कर देते हैं, अब कोई पॉइंट नहीं है इसमें। टोटल 13,17,211 आ गए वैल्यू। इसके ऊपर इंटरेस्ट जो एक महीने का निकलेगा, फिर से वही फॉर्मूला लगा के 13,17,211 × 1% वो ये निकल गया। और क्लोजिंग जो आपकी फिर वैल्यू आ गई, जो आईसीआई का आंसर है वो आ गई ये। तो इसमें दो पॉइंट जो हैं वो यही हैं कि एक तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा आपके पास मंथ वाइज, और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रही तो उस केस में कभी वो कैपिटलाइज तो होने का कोई सवाल ही पैदा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना। और ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर आना चाहिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप लोगों ने करना है, ठीक है। यहां पे एक बार के लिए चाहे आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन के ऊपर 2 या 3 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेना है। गिनती के मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा भी रहा हूं। दो पॉइंट से बीच में कहता है कि जून में स्ट्राइक करके वजह से रुक रहा है, तो क्या जब आपकी कैपिटलाइजेशन डेवलपमेंट रुकती है तो क्या कैपिटलाइजेशन रुकते हैं? नहीं रुकते हम लोग, सिर्फ एक्सटेंडेड फेज में अगर प्रोजेक्ट जा चुका हो तब रुकती है, बजटेड फेज में कभी भी नहीं रुकती है कैपिटलाइजेशन, है ना। सेकंड मेरे पास पॉइंट आया था इस क्वेश्चन में कि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रही तो जो उसके ऊपर एसेट के ऊपर खर्चे हो रहे हैं वो तो कैपिटलाइज होंगे, पर उसके अलावा कुछ भी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट इनकर ही नहीं होगा तो कैपिटलाइज किस चीज को करोगे आप, है ना। क्योंकि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट का इनकर होना पहली प्री कंडीशन होती है, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आपने रिवाइज कर लेना है, फिर ये वाला जो एक्सटेंडेड पीरियड एंड ऑल वाला भी मैं आपको जल्दी से पॉइंट करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, एक बार के लिए आप लोगों ने ये आंसर देख लेना है जरूर जो मैंने आप लोगों को कराया।
सबसे पहले अप्रैल के महीने में ओपनिंग बैलेंस जीरो था, एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए हुए, टोटल अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए का आ गया, और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 2,000 रुपए एक महीने के हिसाब से कैलकुलेट की गई सिर्फ 1% रेट के साथ, क्योंकि साल का रेट 12% था, एंड देन लास्ट में आपके पास ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो एक बार कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ में हम लोग अब करेंगे आपके सेकंड वाले कॉन्सेप्ट की बात, और वो कॉन्सेप्ट क्या है सर, वो है आपके ये छोटे छोटे पॉइंट्स के, क्या कभी एक्टिव डेवलपमेंट रुक जाए तो कैपिटलाइजेशन रुकती है या नहीं रुकती है ना। तो वो मैं आपको एक बार के लिए समझा चुका हूं, एक बार के लिए आपने नोट भी करके रख लेना है ना। अब यहां पे एक चार्ट सा बना लो, यहां लिखना स्टार लगा के, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ज्यादा कहानियां कुछ नहीं लिखनी है हमने, एक टाइमलाइन सी बनानी है। ये है इसका बजटेड पीरियड। सर बजटेड पीरियड हमेशा होता है, आप भी खुद समझदार हो, जब किसी एसेट को बनने में टाइम लगते होते हैं, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 4 साल, 10 साल लगेंगे, क्या उसका बजट नहीं बनाए जाते प्रैक्टिकली, बनते हैं सर। ठीक है, तो एक तो बजटेड पीरियड होता है, उसके बाद एक कई बार वो प्रोजेक्ट जो नॉर्मली सरकारी कामों में तो हमेशा ही होता है, उसके बाद क्या होता है उसका एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, तो यहां पे बस कहानी कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज लिख लो स्टार लगा के, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड, उसके बाद रीजन, रीजन भी एबनॉर्मल होना चाहिए। संडे की छुट्टी कर ली या सैटरडे को ऑफ कर दिया तो कैपिटलाइजेशन कुछ नहीं रुकेगी, कोई बारिश आ गई, बरसात आ गई, महीने के लिए काम रोकना पड़ा, वो नॉर्मल रीजन है ना। तो एबनॉर्मल रीजन होना चाहिए तो कैपिटलाइजेशन रुकती है। फिर उस पीरियड के दौरान का खर्चा पीएनएल में डाल दोगे, यहां कैपिटलाइज नहीं करोगे, यही इसमें पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पॉइंट इसमें नहीं है। चल सकते हैं आगे, नोट कर लेना है जल्दी से, वो हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर भी लिया, अब एक बार के लिए जो उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको भी एक बार के लिए हम लोग देख लेंगे, और जल्दी से इसको खत्म करके फिर मैं आपको कराऊंगा जो न्यू कोर्स के मॉड्यूल में इंडिया 23 के क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। एक आध पॉइंट थोड़ा सा आई से ना ठीक से नहीं डील किया हुआ है, हमारे हिसाब से नहीं ठीक से डील किया हुआ जैसे हम करते हैं, पर बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, तो वो भी हमने बट एक बार प्रैक्टिस करने जरूर है ताकि फिर वो पूरी कवरेज हो जाए। ये नोट कर लो एक बार अगर आपने नहीं किया है तो, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, और अदरवाइज कब रुकती है कैपिटलाइजेशन वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कब, जब एसेट या तो बन के तैयार हो जाए या वो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होना ही बंद हो जाए, तो चलो कैपिटलाइजेशन रुक ही जाती है ना। अब इसके बाद मेरे पास आते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस, वो एक बार के लिए जो आपकी असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं, 2 हम कर चुके हैं क्लास में, 3rd वी हैव ऑलरेडी डन, 4th हमने किया हुआ है कि सब्सिडी में पैसा लगाए वो कभी क्वालिफाइंग एसेट होती ही नहीं है। 5वां कहता है एज अ स्टेट ऑडिटर हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग, एबीसी कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर इन मुंबई इन जनवरी 2004 अंडर बीओएलटी स्कीम, देन द सेम वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2005 ड्यू टू सीजनल हैवी रेन्स इन जुलाई 2004 इन द एरिया द वर्क ऑफ फ्लाईओवर हैड टू बी सस्पेंडेड फॉर 1 मंथ, द कंपनी अकॉर्डिंगली सस्पेंडेड कैपिटलाइजेशन या बोरोइंग कॉस्ट ऑफ 12.50 लाख फॉर दैट मंथ फ्रॉम कैपिटलाइजेशन, इज दिस करेक्ट और नॉट। सर वो एक्सटेंडेड पीरियड था कि नॉर्मल पीरियड था, क्या उससे फर्क पड़ता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कारण कौन सा है, सीजनल हैवी रेन, सीजनल वर्ड से ही क्लैरिफाई हो जाता है, सीजनल हैवी रेन्स मतलब नॉर्मल रीजन, और नॉर्मल रीजन तो चाहे नॉर्मल पीरियड में, बजटेड पीरियड में हो, चाहे एक्सटेंडेड पीरियड में हो, कभी भी कैपिटलाइजेशन रुकती नहीं है। तो यहां पे एक लाइन लिख लेना जरूर, शुड बी कैपिटलाइज्ड, शुड बी कैपिटलाइज्ड। उसके बाद आया आपके पास 7th क्वेश्चन, अगेन अ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट एक बार पढ़ लेना है जरूर, इन मे 2004 स्पीड लिमिटेड टुक अ बैंक लोन टू बी यूज स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक लोन था इसी फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए,
कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड जनवरी, अगर जनवरी में बिल्डिंग बन के ही तैयार हो गई तो क्या उसके बाद भी कैपिटलाइजेशन चली रहेगी? नहीं सर, उसके बाद कैपिटलाइजेशन रुक जाती है। अब यही पूछेगा इसमें वो देखना। एंड बिल्डिंग वॉज पुट टू यूज देयर आफ्टर, इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल अमाउंट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टिल इट्स कंप्लीशन वॉज 80 लैक्स, तो जो जब तक कंप्लीट नहीं तब तक तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो 80 लाख थी, तो क्या ये कैपिटलाइज होगा? बिल्कुल होगा। बट वेयर एज द टोटल इंटरेस्ट पेबल टू द बैंक ऑन द लोन फॉर द पीरियड टिल 31 मार्च 2005 अमाउंटिंग टू ₹25 लाख, जब तक ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई जनवरी तक, तब तक खर्चा था 80 लाख, उसके 31 मार्च तक का और कितना खर्चा हुआ? 25 लाख। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, क्या ये 25 लाख कैपिटलाइज हो सकता है? आंसर इज नो। फिर कहां जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैन 25 लाख बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड दस बी कैपिटलाइज ऑन द प्ली दैट लोन वाज स्पेसिफिकली टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये बोल के कि जी लोन उसके लिए ही तो लिया गया था तो सब कुछ ही कैपिटलाइज करते रहो, ऐसा नहीं। जब बन के तैयार हो जाएगी या इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होना बंद हो जाए तो उस विच एवर इज अर्लियर पे हम लोग क्या कर देते हैं? कैपिटलाइजेशन रोक देते हैं। पर सर अगर लोन वापस नहीं गया होगा तो इंटरेस्ट तो जा रहा होगा। बिल्कुल जा रहा होगा, पर वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, वो आपकी एसेट में कैपिटलाइज नहीं होगा। आठवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क ही रहेगा, फोर्थ की तरह सिमिलर है कि अगर आपने सब्सिडरी खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई लोन लिया तो क्या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में उसको बोरिंग कॉस्ट की तरह कैपिटलाइज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आपकी कभी भी कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती। नाइन्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। टेंथ क्वेश्चन अगेन जल्दी से कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ हम कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का, फिर न्यू कोर्स के मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। द कंपनी हैड ऑब्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 लाख फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने 31 मार्च 2006 अमाउंटेड टू ₹406 लाख। जो ये मशीन वगैरह एक्वायर करी गई, ये बनाई गई, बनाई या एक्वायर करी जो मर्जी, उसके ऊपर खर्चा कितना हुआ? 406 लाख रुपए का। 58 लाख रुपए हमने एडवांस दिया हुआ है सप्लायर्स को फॉर एडिशनल एसेट्स, वो भी कुछ एडिशनल एसेट्स के लिए एडवांस गया हुआ है। एंड बैलेंस लोन ऑफ 116 लाख हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो क्वेश्चन में क्लैरिटी तो 100% तो नहीं है, बट अगर लॉजिक की बात की जाए तो इनमें से जो मॉडर्नाइजेशन के अंडर स्कीम के अंडर मशीनरी वगैरह बन रही है, अगर उसको बनने में टाइम लगा होगा तो वो तो क्वालिफाइंग एसेट फिर भी हो सकती है। क्लियर सर? नहीं है, बट मानना पड़ेगा, है ना। साथ में जो एडिशनल एसेट जो बन रही है, अभी बनने में टाइम लगेगा, उसके लिए कोई एडवांस दिया हुआ है, वो भी हमारी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है, उसके लिए किया गया खर्चा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा है ही, पर इस क्वेश्चन में तो मानना पड़ेगा। पर जो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए आपने यूज किया पैसा, क्या वो कभी भी आपका क्वालिफाइंग एसेट बनने के लिए हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर होता है वो क्या बोलता है? वो यही बोलता है कि 406 और 58 के प्रोपोर्शनली जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो कैपिटलाइज होगी, बाकी कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। अकाउंटेंट इज ऑफ द डिलेमा दैट हाउ टू अकाउंट फॉर द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 52.2 ड्यूरिंग दिस ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूशनल लोन 58,580 लाख। अब देखो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप अपने देसी वाले तरीके से क्या निकालो, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालो और फिर उस एक्सपेंसेस से मल्टीप्लाई कर दो, और आप चुपचाप से प्रोपोर्शनल मेथड लगा दो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं जो प्रोपोर्शनल मेथड से कर रहा हूं, आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप पहले दिस डिवाइड बाई दिस करके रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकाल लो और 12 12 महीने से इन दोनों खर्चों को मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट सिर्फ इसमें ये है कि एजम्पशन बेस्ड है क्वेश्चन, कि ये दो पहली वाली आपकी क्या है? क्वालिफाइंग एसेट है। ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिकली वी कैन फाइंड आउट कि कौन सी एसेट क्वालिफाइंग है और कौन सी एसेट क्वालिफाइंग नहीं, पर यहां पे हमें कई बार दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम लोगों ने ध्यान से चलना है। अब इसको अगर मैं बोलूं तो 406 डिवाइड बाई 580 इंटू 52.20, जो इसके प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बनता है वो कैपिटलाइज होगा उस एसेट में, बाकी का कैपिटलाइज नहीं होगा। 406 डिवाइड बाई 580 इंटू 52.20 36.54, जो आपका 58 लाख का अमाउंट है उसको भी अगर आप कैपिटलाइज एसेट के, सॉरी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही मानो तो उसके प्रोपोर्शनली भी सेम तरीके से 58 डिवाइड बाई 580 इंटू 52.20 इज इक्वल टू 5.22, और बाकी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो होगी एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में। एक्सपेंसेस कितना जाएगा? 36.54 प्लस 5.22 माइनस 52.20 10.44 लाख विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी के साथ आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म।
और 12वां क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब आपके पास आता है जो हमारे पास है न्यू कोर्स का मॉड्यूल, ठीक है ये, ठीक है। अब इसमें दिए गए पहले जो वो क्वेश्चन करेंगे जो कि नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग से ट्रीट किया हुआ इन्होंने, वो आपने ध्यान में रखना है, वो मैं आप लोगों को सबसे एंड में कराऊंगा, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। एक हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट किया था जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी लोन लिया गया हो तो उस केस में जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो तो कैपिटलाइज होगी ही होगी, उसके अलावा भी जो एक्सचेंज लॉस हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट टू द अपर लिमिट ऑफ जितना आपने इंडिया में लोन ना लेकर बाहर जाने के जैसे इंटरेस्ट की कॉस्ट बचाई थी, उतने तक का एक्सचेंज लॉस भी इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। बहुत डिटेल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ये चीज, है ना। तो अब एक बार के लिए ध्यान से रिवाइज कर लेनी है मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर वन कहता है एबीसी लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ $20,000 ऑन 1 अप्रैल 2001। मैं यहां पे आप लोगों के लिए टाइमलाइन बना रहा हूं, 1/4/2001 को कितने डॉलर का लोन लिया था, $20,000 का लोन लिया था, है ना। कहता कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पेएबल ऑन एनुअल बेसिस एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है 5%। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2001 द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज दैट इज यूएस डॉलर वर्सेस रुपीज वाज 45 पर यूएस डॉलर। इस दिन पे $1 का रेट क्या था, $1 वाज रुपीज 45। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रुपी फंड्स यूज करने के लिए मिले कितने होंगे, तो कितना पैसा मिला होगा सर हम लोगों को, 20,000 × 45 9 lakh rupees आज के दिन पे हमें यूज करने के लिए मिले होंगे, और इसी के अगेंस्ट हमने अपनी बुक्स में एक लाइबिलिटी भी बुक करके रखी होगी, क्योंकि हमारी बुक्स में तो लाइबिलिटी रुपीज में ही लिखनी पड़ेगी ना, डॉलर्स में तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। लोन हमने कितने का लिख लिया होगा, 9 lakh rupees का। उसके बाद क्या होता है, कहता है एक्सचेंज रेट ऑन द रिपोर्टिंग डेट 31st March 2002 इज 48 पर यूएस डॉलर। यहां पे $1 का रेट कितना हो गया, रुपीज 48, और इंटरेस्ट यहां पे होना है। तो पहले तो मुझे आप बताओ कि इंटरेस्ट कॉस्ट इन डॉलर्स कितनी होगी, डॉलर्स में कितना होगा सर, 20,000 × 5% फॉर 12 महीने, 20,000 × 5% करना है जरा सा कैलकुलेट खुद, $1,000। रेट क्या चल रहा है आज के दिन पे, 48। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इन रुपीज 48,000 rupees। तो ये तो देखो कैपिटलाइज होने से कोई रोक नहीं सकता, ये तो कैपिटलाइज होके रहेगा कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, सवाल इसका नहीं होता। सवाल होता है आप लोगों के पास जो आपकी एक्सचेंज लॉस है, वो अगर किसी को याद हो तो खुद भी कर सकते हैं, चाहे आप मेरे से आगे आगे, अदरवाइज मेरे साथ साथ चलना है, और ध्यान से अगर भूल गए हो तो रिवाइज भी कर लेना, है ना। अब बारी आई कि इंटरेस्ट तो पे कर दिया जी, कैपिटलाइज भी कर दिया। अब चर्चा आई कि अगर हम लोन लेते इंडिया से तो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती, और लोन लिया बाहर से तो उसके चक्कर में हमने बचाया कितना अपना पैसा, जितना बचाया उतने तक अगर गलती से वहां पे बाहर लोन लेने के चक्कर में एक्सचेंज लॉस हो गया हमें, तो वो वहां तक का एक्सचेंज लॉस भी क्या माना जाएगा, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो यहां पे मेरे पास आया, अगर इंडिया से लोन लेता मैं उतने ही 9 lakh rupees का जितने का ये लिया था, तो इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता। वो कहता कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट वुड हैव बीन बोरोड बाय एबीसी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लोकल करेंसी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%। तो ये किस रेट पे मिलता है इंटरेस्ट लोन हमें, 11% पे। तो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होती, 9 lakh × 11% 9 lakh × 11% 99,000 rupees। इंडिया से लोन लेते 99,000 की कॉस्ट पड़ती, बाहर लोन लिया कितने की कॉस्ट पड़ी, 48,000 की। तो क्या कुछ हमने सेविंग की है बाहर लोन लेने के चक्कर में, आंसर इज यस। वैसे आप लोगों को मैंने लिखवा भी दिया था कि अगर आप रटने वाले तरीके से भी दो स्टेट वो याद रख सको तो वैसे भी चल जाएगा आप लोगों के पास, अदरवाइज आप लॉजिकली भी कर सकते हो। तो कितना बचाया हमने बाहर जाने के चक्कर में, सेविंग कितनी हुई, -48,000 = 51,000 rupees की। अब
क्वेश्चन क्या है कि अगर एक्सचेंज लॉस इससे कम हुआ होगा तो जितना हुआ होगा वो कैपिटलाइज होगा एज अ बोरोइंग कॉस्ट, अगर इससे ज्यादा हुआ होगा तो 51,000 रुपीज तक का तो एक्सचेंज लॉस भी बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट होगा। तो अब एक बार यहां चेक करते हैं एक्सचेंज लॉस ऑन लाइबिलिटी। अब जो लाइबिलिटी आपने बुक की हुई है वो कितने की बुक करी थी, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने की थी, 9 लाख की। वैल्यू टुडे, आज उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ध्यान से बताना, $20,000 मुझे आज के आज अगर देने पड़े तो 48 रुपीज के हिसाब से देने पड़ेंगे, तो आज के दिन पे कितनी वैल्यू हो चुकी है इस लाइबिलिटी की, 9,60,000 रुपए। अगर कोई लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड करी है 9 लाख रुपए की आज देने पड़े तो 9,60,000 देने पड़ेंगे, तो क्या खर्चा भी हो गया इस साल के दौरान, वो एक्सचेंज लॉस हो गया मुझे, द आंसर इज यस। तो कितना एक्सचेंज लॉस हुआ, एक्सचेंज लॉस इज इक्वल टू 60,000, पर मैक्सिमम कैपिटलाइज कितना किया जा सकता है 51,000। सो यहां लिखना स्टार लगा के फाइनली, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस टू बी कैपिटलाइज्ड एज बोरोइंग कॉस्ट अंडर इंड एस 23 इज लोअर ऑफ द टू, नंबर वन एक्चुअल एक्सचेंज लॉस एंड सेकेंड इंटरेस्ट कॉस्ट इन इंडिया माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन फॉरेन लोन। तो अगर मैं ये एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट बोलूं, एक्चुअल एक्सचेंज लॉस बोलूं तो 60,000, ये 50,000, इनमें से लोअर वाला हमारा यहाँ पे पार्ट बनेगा, वो लॉजिकली भी कर सकते हो आप लोग और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज 51,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल बोरिंग कॉस्ट आप कितनी कैपिटलाइज कर रहे हो, तो आप 99,000 जो इंडिया से अगर लोन लेते हो तो जो आपकी कॉस्ट इनकर होती। अगर इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो ये ही इसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है, ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन हमारे पास, ये लास्ट में 51,090 टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज लिखना होता, टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था जो चलो एग्जांपल के रूप में तो हमने कर ही लिए थे, न्यू कोर्स में के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन भी है, तो एक बार के लिए चलो प्रैक्टिस भी हो गया। अगर पूछे आपसे कि बाकी का जो एक्सचेंज लॉस हुआ वो कहां जाएगा, तो यहां लिख लेना एसपीएन एक्सचेंज लॉस जो जाएगा वो कितना जाएगा 9,000 रुपए, क्योंकि टोटल नुकसान तो मेरा 60,000 हुआ था, पर उसमें से जो 51,000 तक का नुकसान है वुड बी कैपिटलाइज। कॉन्सेप्ट हम डिटेल में सीख चुके हैं, रिवाइज कर लेना है जरूर, और उसके अलावा बाकी का पीएनएल अकाउंट में जाएगा। चल सकते हैं आगे, ये नोट कर लेना है, अगर कुछ नोट करने से रह जाए तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हो, फिर आगे चल सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास आता है नेक्स्ट पार्ट इसी न्यू कोर्स के मॉड्यूल का ही, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, वो मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अगेन ओरल क्वेश्चन है, कराने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, पर एक बार जल्दी से कर लेंगे चाहे। बीटा लिमिटेड हैज द फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस, क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना कि अगर नहीं किया और दिख जाए तो कई बार हम सोचते हैं यार ये तो किया ही नहीं था, सेम सेम दिख जाए तो थोड़ा हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना। पर ये जरूर है जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि पेपर में आपको बस बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन मिले, हाँ कॉन्सेप्ट वही होंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे। तो थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि बीकॉम के पेपर तो होते नहीं है ना, तो थोड़ा सा तो हमें अपना माइंड अप्लाई करना पड़ जाता है। बीटा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस एट द एंड ऑफ 31st of March 2002। तो एक 18% बैंक लोन है, इसके पास एक 16% टर्म लोन है और 14% डिवेंचर है। 14% डिवेंचर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 अप्रैल को नहीं थे, 31 मार्च को हैं, ठीक है। बाकी दोनों लोन 1 अप्रैल को भी थे और 31 मार्च को भी हैं, पूरे साल के लिए रहे इसका मतलब। जो 14% डिवेंचर्स हैं इशू टू द फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक लोन लिया गया एक ऑफिस बिल्डिंग के लिए ऑन 1 जुलाई, बट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज नॉट येट टू बी स्टार्टेड। लोन ले लिया पर डेवलपमेंट कुछ भी स्टार्ट अभी नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सिंपल सा काम
कि इस पर्टिकुलर लोन के इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में डालते जाएंगे। जब एसेट बनना शुरू ही नहीं हुई जिसके लिए स्पेसिफिकली लोन लिया है, तो कैपिटलाइजेशन भी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, जो उसके ऊपर अगर मान लो कोई डिपॉजिट करने की वजह से कोई इनकम इनकम आएगी, पीएनएल में क्रेडिट साइड चली जाएगी। अगर कोई खर्चा वर्चा होगा इंटरेस्ट कॉस्ट का, वो पीएनएल में डेबिट साइड चला जाएगा। आगे कहता हूं, 1 अप्रैल 2001 स्टार्टिंग ईयर में ही बीटा लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट बीइंग क्वालिफाइंग एसेट। प्लांट ये ऑफिस बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक लोन, इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। प्लांट के लिए उसने जो है वो काम शुरू कर दिया एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में से ही, जनरल बोरिंग्स में से। मतलब एक्सपेंडिचर ड्रॉन डाउन फॉर द कंस्ट्रक्शन वॉज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड 25 लाख ऑन 1 जनवरी 2002। आप पूछा कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द प्लांट। अब लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, अगर अलग अलग टाइम पे एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ऑब्वियस बात है उतने उतने टाइम के हिसाब से वो एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये 5 लाख रुपए का अमाउंट, अगर 1 अप्रैल को ही खर्चा हो गया तो ये पूरे साल तक ब्लॉक रहा, तो 12 महीने का पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन हो गया इसका। जो ये लगा ही कब, 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। एक्सपेंस भी पता है, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन पता है, एक चीज और के चाहिए, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब उसके लिए कौन कौन सी 2 जनरल बोरिंग जो पूरे साल के लिए रही, ये वाली, तो इनका अगर मुझे रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन जल्दी से निकालना, यहां लिखना रेट, ये इलस्ट्रेशन नंबर है 3, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और जनरल बोरिंग है तो मल्टीपल निकलेंगे कि एक निकलेगा, एक रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर मैं सीधा सीधा ही लिख रहा हूं यहां जल्दी से, 1000 × 18%, यही था शायद। 1000 रुपए का लोन था पूरे साल के लिए 18% वाला, और 3000 रुपए का लोन था 16% वाला, प्लस इंटू 12/12 करना हो तो कर सकते हो, 3000 × 16% डिवाइड बाई 1000 भी पूरे 12 महीने के लिए यूज हुआ, प्लस 3000 भी पूरे 12 महीने के लिए यूज हुआ। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 180 प्लस 480 डिवाइड बाई 3 और 1 4000, 16.5%। ठीक है, तो अब मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। वो वैसे जनरल लोन अगर बनाना हो तो बना भी सकते हैं, नहीं तो सीधा ही लिख सकते क्योंकि इसमें स्पेसिफिक तो है ही नहीं। तो खर्चा कब हुआ, पहले 1 अप्रैल को, तो उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन कैसे होगी, 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ इनटू रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 16.5%, ये 16 है ना, मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये पूरे 12 महीने के लिए। और एक खर्चा हुआ 1 जनवरी को जाकर 25 लाख रुपए का, 25 लाख इंटू 16.5% इंटू 3/12, 3 महीने के लिए पैसा लगा सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो 5 × 16% इंटू, जल्दी से कैलकुलेट करना है, 16.5% इंटू 12/12, तो ये आ गया 82,500, और ये आ गया 25 लाख इंटू 16.5% इंटू 3/12, 1,03,125। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी जो कैपिटलाइज होगी, प्लस 82,500, 1,85,625। ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसके कहीं बड़े बड़े क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार फिर भी आपने, चलो न्यू कोर्स के मॉड्यूल में है तो एक बार के लिए करना बनता है ना, 1,85,625। ये आप लोगों के पास आंसर होगा इसका, 1,85,625। उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगेन, कमेंसमेंट डेट हमने आपको बताया हुआ है, कई बार डिस्कस हुआ हुआ ये, तो कि जब कब से शुरू होती है कैपिटलाइजेशन, जब इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनकर हो जाए, उस एसेट के ऊपर खर्चा भी हो जाए और उसकी एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट भी हो जाए, है ना। तो अब वही है कि यहाँ पे कहता है कि जो 15 मई को तो लोन ले लिया हम लोगों ने, तो लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर होने कब से शुरू हो गए, 15 मई से। 2 जून को टेक्निकल साइट की प्लानिंग वगैरह हुई, ठीक है, पर 19 जून से एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इनकर्ड। तो जब अगर आपसे मैं पूछूं कि खर्चा भी होना शुरू हो गया और लोन की कॉस्ट भी इनकर होना शुरू होगी, उसमें से लेटर डेट कौन सी है, सर 19 जून, तो दिस इज द आंसर, कि इस दिन से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं अब इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा।
फिर आपके पास बस यही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और हैं टेस्ट योर नॉलेज में, वो भी एक बार के लिए देख लेते हैं। जो आपके पास पहले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको करा रहा हूं मैं, फिर ये थ्योरेटिकल फर्स्ट क्वेश्चन और एक जो सेकंड बचा उनको करते हैं हम लोग। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसी तरह का आपके पास 12वां क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, और एक अभी भी किया, वैसे वैसे क्वेश्चंस काफी किए आपने, एक बार के लिए देख लो। कहता है एक्स हैज लिमिटेड हैज अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट दैट अरेंजेस फंड्स फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2002 द कंपनी कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेट अमाउंट 1 जुलाई 2001 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 1 दिसंबर 2001 को 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो जो 1 जुलाई को हुआ वो कितने टाइम तक लगा रहा बिजनेस में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स होगा इसका पीरियड ऑफ कैलकुलेशन। एक्सपेंस पता चल गया, पीरियड ऑफ कैलकुलेशन पता चल गया, तो चाहिए क्या, सिर्फ रेट ऑफ कैलकुलेशन है ना, वो निकाल लेंगे हम लोग। देन मेरे पास आया 1 दिसंबर वाले का 3 महीने पीरियड ऑफ कैलकुलेशन, एक्सपेंस भी पता है, रेट ऑफ कैलकुलेशन चाहिए हमें सिर्फ। अब आया वर्किंग सॉरी लोन के ऊपर, इतना अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये लोन का अमाउंट था, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी दिया, वर्किंग कैपिटल का ये था, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट भी दी हुई है, टोटल आउटस्टैंडिंग लोन भी दिया हुआ इक्वलेंटली ईयर के लिए ही। तो क्या ओरली ही निकल जाएगा रेट ऑफ कैलकुलेशन? बिल्कुल निकल जाएगा सर, 1,65,000 1,65,000 इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइड बाई 15 लाख, आधी तो इसने हमारी कैलकुलेशन भी करके दी हुई है। द आंसर इज 11%। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 1,65,000 डिवाइड बाई 15 लाख इज इक्वल टू 11%। तो अब एक्सपेंसेस या बोरोइंग एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो एक खर्चा हुआ था हमारा 2.5 लाख रुपए का, एक खर्चा हुआ था हमारा 3 लाख रुपए का, इनटू इसका पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन था 9/12, इसका पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन था 3/12, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन हमारे पास है 11% और 11%। तो टोटल कर लो बस, आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, 2.5 लाख इंटू 11% इंटू 9/12, 20,625 ये आ गया। जो 3 लाख रुपए का और हुआ वो पैसा 3 महीने के लिए लगा, इंटू 11% इंटू 3/12 मेरे पास आ गया 8,250, 3 महीने के लिए था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 महीने ध्यान से, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 दिसंबर डेट है ना, तो डेट ध्यान से, तो 4/12 हो गई, माई फॉल्ट, 3 लाख इंटू 4/12 इंटू 11%, 11,000 रुपये आएगा ये। तो 11,000 प्लस 20,625 इज इक्वल टू 31,625, जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो कितनी होगी, 31,625, ये आपने ध्यान से करना है कैलकुलेट। आंसर इसका चेक कर लेते हैं, 20,625 एंड 11,000, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से नोट कर लो। एक इसके अलावा थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो भी हमने 5 मिनट में खत्म करके फिर क्लास को खत्म करेंगे। आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके भी, अगर किसी को टर्म्स ज्यादा टाइम चाहिए हो तो वीडियो उस टाइम पे पॉज कर ली और उसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। पर इन क्वेश्चन में कुछ ऐसे रस वाले क्वेश्चन नहीं है, मजेदार क्वेश्चन नहीं है ये, इसलिए मैं इनके ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन, इतना लंबे लंबे क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रिविजन काइंड ऑफ हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैं यहीं से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, एक बार के लिए टेस्ट योर नॉलेज का ये क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड वाला, जो मतलब फर्स्ट वाला है। कहता है मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑर्डर्ड 3 ships फॉर इट्स फ्लीट ऑन 1 अप्रैल 2000, जैसे अभी भी राफेल मंगाए हैं ना, सारे पुर्जे अंदर के बाहर के, कहां से ऑन होता है, कहां से इसमें पेट्रोल डलता है, कहां से इंजन स्टार्ट होता है, कहां से एक एक छोटी छोटी चीज अगर न्यूज चैनल वालों ने ना बताई हो तब तक इनको रात को नींद नहीं आती है ना। तो वैसे ही मान लो कोई एक कंपनी थी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, उसने 3 फ्लीट जहाज जो है वो ऑर्डर किए अपने फ्लीट में ऐड करने के लिए। इट पेज अ डाउन पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द शिप आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक। इसने लोन लिया होता वहां से इसने एडवांस दे दिया। क्या अब इन जहाजों को बनने में आपको क्या लगता है टाइम लगता होगा? आंसर इज यस सर,
ठीक है। तो अब बट अगर आपने एडवांस दे तो अपनी तरफ से आपने एक खर्चा कर दिया, आंसर इज यस। लोन के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनकर हो रही होगी, आंसर इज यस। अब तीसरी एक चीज चाहिए कि उसके ऊपर एक्टिव डेवलपमेंट उसकी शुरू हो जाए, तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। द डिलीवरी हैज टू कमेंस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2007, 2007 से डिलीवरी स्टार्ट होगी। वैसे अभी 2000 चल रहा है ना, अभी साल 2000 चल रहा है। ऑन 1 मार्च 2002 द शिप बिल्डर इन्फॉर्म्स दैट इट हैज कमेंस प्रोडक्शन ऑफ वन शिप। कहता है 2002 में जाके 1 मार्च को उसने हमें बताया कि जी ये आपके पास अभी हमने एक शिप की कंस्ट्रक्शन जो वो शुरू कर दी है। मतलब क्या, डेवलपमेंट 1 मार्च से शुरू हो गई, तो खर्चा मेरा हो चुका था, इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी इनकर हो रही थी। डेवलपमेंट एक्टिव कब से शुरू हुई उसके ऊपर, जो 1 मार्च 2002 है। तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब से होगी, 1 मार्च 2002 से। उससे पिछला कोई भी खर्चे होंगे इंटरेस्ट के पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। देर इज नो प्रोग्रेस ऑन अदर टू शिप्स, बाकी दो शिप्स के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो कोई खर्चा उनके अगेंस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा अभी। मरीन ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर बेसिस, इज इट परमिसिबल फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट टू कैपिटलाइज एनी बोरिंग कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2001 और 2002? द आंसर इज नो। एक बार ये टाइम लाइन जरूर बना लेनी है, ये आपका टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल थे, 1 4 2007, ये सॉरी 2000, और यहाँ पे 31 या 2007 में जाके मिलनी थी हमें। इस साल में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, इस साल में यहाँ पे ये आ गया 31 3 2001, 31 3 2002। 1 मार्च 2002 को मेरी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट ऑफ एसेट। तो यहां से स्टार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो अगर मैं इस साल की बात करूं तो कितने महीने के लिए कैपिटलाइजेशन होगी, 1 महीने के लिए होगी सर, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। एक बार बना के रख लेनी है टाइमलाइन ये, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। और नेक्स्ट पार्ट मेरे पास इसके बाद, अब जो लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अब उस इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को आपने जिस तरीके से आईसीआई करता है वैसे ही करके आना है। आप अपने तरीकों से उसको करोगे तो उसका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, वो आंसर वैसे सही नहीं है, क्योंकि अभी आईसीआई के ही क्वेश्चन हमने किए, अपने लॉजिक्स के हिसाब से सारे मैच कर रहे हैं आंसर, बट इस क्वेश्चन में वो आंसर्स मैच नहीं करते, और इसलिए स्टार लगा के रख लो, चाहे जैसे मर्जी रख लो, ये क्वेश्चन आपने स्पेसिफिकली ध्यान में रख के जाना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब मेरे साथ साथ उस एक क्वेश्चन को आप लोगों ने देखना है, और वो क्वेश्चन था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 2। कोई बड़ा टिपिकल कुछ नहीं है, पर ये है कि हाँ इन्होंने थोड़ा सा डील ठीक से नहीं किया हुआ। कहता अल्फा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001 बोरोड 9% 30 लैक्स रुपीज 30 लैक्स टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग एसेट्स। दो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए लोन लिया था, तो स्पेसिफिक लोन था। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2001, द लोन फैसिलिटी वॉज अवेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001। कंस्ट्रक्शन भी कब शुरू हो गई, 1 अप्रैल को, तो कैपिटलाइजेशन भी कब से शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल से। पर जो लोन यूटिलाइज किया हम लोगों ने, कहता 1 अप्रैल को ले लिया था और सारा पैसा इकट्ठा यूज नहीं होना था, सो यूटिलाइज एज वेल एज विद रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड एट टेम्पररीली एट 7%। जो बाकी के फंड्स बच गए इसके पास अभी इन्वेस्ट नहीं हुए, उनको किस रेट पे इन्वेस्ट किया, किस रेट पे इनकम आ रही है, 7%। ये पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी इनकम आएगी हमारे पास, क्या वो बोरिंग कॉस्ट में से माइनस हो जाती है टोटल बोरिंग कॉस्ट में से। द आंसर इज यस, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास 1 अप्रैल को दोनों में मिला के कितना खर्चा हो रहा है, 10 लाख इसके ऊपर, 5 लाख इसके ऊपर, 15 लाख रुपए तो खर्च हो गए 1 अप्रैल को। कितने का लोन आया था, 30 लाख का, 15 कितने हो गए खर्च, 1 अप्रैल को। बाकी का जो 15 है वो कब खर्च हुआ, 1 अक्टूबर 2001। तो क्या ये 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, उस दौरान 7% पर इन्वेस्ट होकर क्या कुछ इनकम भी कमाकर दे देगा वो हमें? द आंसर इज यस। और जो इनकम उसके ऊपर आएगी, क्या वो बोरिंग कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी? आंसर इज यस। वो आपने पढ़ा हुआ है पॉइंट। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आईसीआई जब इसको ट्रीट करता है, वो कहता है कि क्योंकि ये लोन स्पेसिफिकली लिया गया था उस एसेट के लिए, इसलिए हम ये नहीं देखेंगे कि खर्चा कब हो रहा है, 5 लाख का स्टार्ट में हो रहा है, 5 लाख का 6 महीने के बाद हो रहा है, ठीक है। हम इसके लिए जो पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन ले लेंगे वो पूरे साल के लिए ले लेंगे,
यही छोटा सा पॉइंट है जो बाकी क्वेश्चन में अभी भी हम लोगों ने कि इसमें पीरियड के बीच बीच में खर्चा हो रहा था और जैसे हमने कॉन्सेप्ट किया वैसे ही आंसर आ रहे हैं और मैच कर रहे हैं वो आंसर इज यस। इस एक क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये स्पेसिफिकली चाहे मार्क करके रख लो याद करके रख लो, हम अपने आप को गलत प्रूव कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को नहीं करना है, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आ गया आंसर उसके यही फ्रेम्ड होंगे। हो सकता है कि अगले कोई मॉड्यूल की अपडेशन आए तो उसमें ठीक भी हो जाए, पर फिलहाल के लिए तो यही है और इसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने चलना है। एक बार अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्या बोलता है कि क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन है, जनरल लोन्स नहीं है, बाकियों में ये था कि जनरल लोन से, और अगर एक पर्टिकुलर डेट पे वो खर्चा होना शुरू हो गया है तो उसके बाद से बीच में फिर चाहे वो जब मर्जी हो रहा है खर्चा, उस स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनकर हो रही है और एसेट की डेवलपमेंट भी शुरू हो चुकी है चाहे आधे खर्चे के साथ ही हुई है, तो उसके ऊपर अब कैपिटलाइजेशन पूरे साल के लिए पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है वो निकलेगा। ये मेरे इंस्टीट्यूट का पॉइंट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर कैलकुलेट कैसे होगा? रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन के ऊपर आपको पता है स्पेसिफिक लोन के ऊपर कितना होता है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है 9.9% ही आएगा। पर अब जो फैक्ट्री बिल्डिंग है इसके ऊपर 9% सॉरी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को, इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी है, यहाँ लिखना रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू 30 लाख रुपए के ऊपर 9% इंटू 12 मंथ्स। पर क्या कुछ इंटरेस्ट इनकम भी आ रही है? आंसर इज यस सर, 15 लाख रुपए के ऊपर 7% के रेट पे कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए, डिवाइड बाई अमाउंट आउटस्टैंडिंग पूरे साल के लिए यह 30 लाख इंटू 12/12। तो एक बार कैलकुलेट करो जरा कितनी आती है ये रेट ऑफ कैलकुलेशन, 30 लाख इंटू 9% ये आ गया 2,70,000 माइनस 15 लाख जो अभी यूज नहीं हुए इंटू 7% इंटू 6/12, 52,500 डिवाइड बाई 30 लाख, ये आएगा 7.25%। बट यहां पे आपने लिखना है कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ICAI view, स्टार लगा के लिखना टू बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि स्पेसिफिक लोन है इसलिए वो इस तरीके से करता है ट्रीट। इसके अलावा मेरे पास आया कि जो 10 लाख रुपए का खर्चा ए एसेट के ऊपर किया, पहली वाली एसेट के ऊपर 5 और 5 10 लाख इंटू रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है 7.25% इंटू पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन 12/12। वैसे भी पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन हम कब से शुरू करते हैं? वैसे जब हमारी दोनों कंडीशन पूरी, एक्टिव डेवलपमेंट भी शुरू हो जाए और खर्चा भी हो जाए, इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनकर हो रही है, वो यहां से हो रही है स्टार्टिंग से 1 अप्रैल से, और बन के कब कंप्लीट हो रही है वो लास्ट में चली रही है। तो अब मेरे पास कितना आया ये 72,500, और दूसरी वाली जो एसेट है वो 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है उसके ऊपर इंटू 7.25% इंटू अगेन 12/12, तो कितना आएगा 20 लाख इंटू 7.25% इंटू 12/12, 1,45,000 रुपए। ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ जाएंगी। उसके अलावा जो इनके ऊपर खर्चा हुआ है वो तो कैपिटलाइज होगा ही होगा, इसके ऊपर 10 लाख हुआ है, इसके ऊपर 20 लाख हुआ है, तो टोटल करके आपके पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये इन्होंने 72,500 कैपिटलाइज किया हुआ है, 1,45,000 कैपिटलाइज किया हुआ है। तरीका इनका लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एजम्पशन उसके बीच में यही ली हुई है इन्होंने कि क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन है और क्योंकि एसेट की डेवलपमेंट तो 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, इसलिए उस स्पेसिफिक लोन की कॉस्ट को तो हम लोग बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करते जाएंगे। सर कोई और क्वेश्चन आया जिसमें कि यही सेम तरह का वो स्पेसिफिक लोन हुआ, तो आप ऐसे ही ट्रीट करोगे, पर जो बाकी हमने जैसे क्वेश्चन सारे करे हुए हैं जिसमें कि जनरल लोन स्पेसिफिक लोन बीच में होते हैं, उनको एज इट इज उसी एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली करना है। बस ये एक क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इसके बाद आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एक बार के लिए नोट कर लेना है, चाहे पॉज कर लेनी है वीडियो और उसके बाद एक बार के लिए कंप्लीट कर लेना है। जो इसकी फाइल है ये वाली, ये भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के पास अगर किसी से लिखने से कुछ रह भी जाए तो भी आप लोग बड़े आराम से वहां से चेक सॉल्यूशंस कर सकते हो। पर ये क्लास जरूर लगा लेनी है क्योंकि अगली क्लास में हम नया इंडिया सब शुरू करेंगे, ये खत्म हो चुका है, तो अब हम लोगों के पास जो डिस्कशन के लिए आएगा वो कोई नया इंड एएस के साथ हम लोग जो शुरुआत करेंगे, और उस पर्टिकुलर इंड एएस
में हम इन पॉइंट्स को अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका सिर्फ एक पॉइंट जरूर यूज होगा जो वो इंटरेस्ट कॉस्ट वाला था, वो इंडेस 21 है शायद, जो आपका 11 है बोरिंग, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज वाले इंडेस में जरा सा यूज होगा, वो हम सीख चुके हैं, बट यहीं पे ही कि बाकी का जो जैसे 9000 था वो वहां पे जाएगा। एक बार के लिए जल्दी से रिवाइज करना है इसको आप लोगों ने, और अगली क्लास हम लोगों ने फिर लगानी है। अभी आज के लिए आप लोगों की छुट्टी है।